फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल का अनाउंसमेंट किया जाता है और प्लस मेंबर्स के लिए सेल 22 जून को रात 8 बजे स्टार्ट होता है और सेल के स्टार्ट होने के कुछ समय के अंदर ही एमआई टीवी का 32 इंच वाला जो सेगमेंट है वो सोल्ड आउट हो जाता है क्योंकि उसके प्राइस में गिरावट की गई है पहले की अपेक्षा। और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन को दिया जाए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या एमआई का टीवी खरीदना इस प्राइस में सही रहेगा जो कि शायद अवेलेबल ना हो आपके लिए। अभी मैंने जब रिफ्रेश किया तो 12,500 रुपये में आपको ये देखने लग गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सोल्ड आउट हो गया था तो आया कहाँ से इतने प्राइस में ये। फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्राइसेज आपको लेके आए जाते हैं जो कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। इंस्टेंट डिस्काउंट जो HDFC का मिल रहा है ना, वही आपका बचत है एक तरीके से। तो क्या आपको नहीं करना है? सैमसंग के द्वारा एक टीवी है 32 इंच का जो कि स्मार्ट टीवी नहीं है, ये ऐसा टीवी है जिसके अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं और उस टीवी की कीमत रखी गई 14,000 रुपए, जो कि सैमसंग के वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो सेम प्राइस आपको वहां भी देखने को मिलता है। डिस्काउंट आपको HDFC वाला मिल जाएगा, लेकिन ये टीवी मत खरीदिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस टीवी के अंदर जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही बेकार है, साथ ही साथ जो रिफ्रेश रेट है वो 50 हर्ट्ज का है और इसके अलावा भी और भी कमियां देखी गई हैं। वहीं पे सैमसंग ने इस टीवी को अपग्रेड करके एक नया टीवी लॉन्च किया है और वो 32 इंच का है, 1,000 रुपये प्राइस में बढ़ोतरी की है, लेकिन इसके अंदर आपको एक तो साउंड क्वालिटी जो है वो सही दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है जो कि पहले की अपेक्षा आपको थोड़ा सही लगेगा। तो भूल कर भी सैमसंग का टीवी नहीं खरीदेगा इस सेल के अंदर, या फिर भावनाओं में बह के कि भैया सैमसंग है तो 13,000 या 14,000 मिल रहा है तो ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना आपको, अदरवाइज आप पछताएंगे और बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अब बात करते हैं कौन सा टीवी 32 इंच में आपको लेना चाहिए। VU, थॉमसन, कोडैक, MI, Realme, ये चारों पांचों टीवी जब उठाते हैं आप तो इन सबके अंदर जो आपको स्पेक्स मिलते हैं वो 20 वाट स्पीकर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDMI पोर्ट लगभग बराबर, MI में और Realme में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पैनल ऑलमोस्ट सब में सिमिलर तरीके का यूज़ किया गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनके डायनेमिक्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन के अंदर ब्राइटनेस में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ये अंतर आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये चीज़ें आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी टीवी देखने के साथ साथ। तो कौन सा टीवी लेना बेस्ट है, क्या MI का टीवी लें? देखिए, MI का टीवी सबसे ज़्यादा क्यों बिक रहा है या Realme का क्यों बिक रहा है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग उस तरीके से की गई है। आपको हर जगह हर यूट्यूबर या हर टेक कंपनी आपको बताएगी कि MI का टीवी ले लीजिए, Realme का टीवी ले लीजिए, इसमें ये है उसमें वो है, लेकिन VU, थॉमसन या फिर कोडेक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा उनको कोई भी एडवर्टीजमेंट मनी नहीं दिया जा रहा है। तो आपको कौन सा टीवी सही रहेगा लेना, देखिए MI की टीवी को अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो रेटिंग्स दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दी गई हैं और उसके कारण उसके अंदर कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा है लोगों का, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पिक्चर, साउंड, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, इन सभी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों को रही हैं। कनेक्टिविटी इशू अच्छा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन टीवी जो बढ़िया है आज की डेट में, अगर आपको हर एक चीज़ देखना है कि एंड्रॉयड का अपडेट सही टाइम पे है, आपको इसका जो सर्विस हो बढ़िया से हो सके, कोई दिक्कत आए तो कोई बात आपकी सुनने वाला हो, तो VU का टीवी 12,000 रुपये में आपको जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। 32 इंच स्मार्ट टीवी है और सबसे बड़ी बात एंड्रॉयड टीवी है, इसमें अपडेट्स आते हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के अंदर है, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड अपडेट से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके घर में इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि आप कोडैक की तरफ जा सकते हैं। कोडैक टीवी भी अच्छा है और ये आप आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड की बात नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है एंड्रॉयड का और ये VU जो है वो सर्टिफाइड टीवी है, इसलिए मैं आपको VU को लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये एंड्रॉयड के जो अपडेट्स आएंगे वो लेके आएंगे। कोडैक वाले पे 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज है टीवी का, आपके टीवी पे इंटरनेट उतना नहीं चलना है, कभी कभार मन कर गया तो चला लिया, तब ये टीवी आप बिल्कुल ले सकते हैं और कोडैक का टीवी बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, थॉमसन का टीवी ले सकते हैं आप, लेकिन थॉमसन के टीवी के साथ कुछ समस्याएं आने लग गई थी और इसी कारण से मैंने थॉमसन को आपको रिकमेंड नहीं किया है, कोडैक किया है। अब बड़ी बात यह है कि जब भी टीवी खरीदे तो 3 साल का प्रोटेक्शन अभी मिल रहा है
और ये बिल्कुल गलती मत करना कि ये प्रोटेक्शन छोड़ देना। 3 साल का प्रोटेक्शन आंख बंद करके अभी ले लेना, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। और 1 साल का टीवी का और प्लस 3 साल से 4 साल तक आपका टीवी सिक्योर हो जाएगा, और ये लगभग सभी टीवियों के अंदर आपको मिल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लेना चाहिए। तो सैमसंग का टीवी बिल्कुल नहीं खरीदना है, अगर खरीदना है तो अमेजन के ऊपर जो नया स्टॉक में आया है वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव की गई हैं, लेकिन सैमसंग ब्रांड का पैसा लेता है। एमआई का टीवी क्यों नहीं खरीदना है, तो कनेक्टिविटी इशू है, साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में दिक्कत कही जाती है कि आता है इसके अंदर। वीयू का टीवी क्यों खरीदना है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपडेट्स टाइम पे मिल रहे हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं वो सही हैं, साथ ही साथ आपको 300 का वारंटी 900 रुपये में मिल जाता है, और इसके अलावा आपको इस टीवी के ऊपर और भी चीजें देखने को मिलेंगी, वो बाकी टीवी के अंदर इस तरीके की नहीं देखने को मिल रही हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको ये जो मैंने बताया वो सही लगा या नहीं लगा, क्या गलतियां नहीं करनी, आपको समझ में आया या नहीं आया, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आने वाले टाइम के अंदर इसको मैं सुधार सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।